सर जी वो उधर जाना जो मेडल लड़की जीत कर लाई अन्नू भाई, ऐसे जाओ जी, फिर ऐसे मुड़ियो। हाँ जी सामने घर है। नहीं नहीं नहीं, पहले ऐसे जाओ। हाँ जी सीधे। हाँ जी फिर ये ऐसे मुड़ियो। हाँ जी फिर एक मंदिर आओगे, बनी होगा मतलब छोटा मंदिर आओगे। लड़की ने नाम कमा दिया। अरे यार क्या बात कह रहा, बढ़िया लग रहा बिल्कुल भाई। एक बात तो बता यार, तो एक गांव की बात है, हमारे गांव का नाम रोशन हुआ। सबसे तो बात यार, सबसे पहली बात तो यार हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। जी जी ये देखो भाई। हाँ जी ये तो बात है भाई। आपको कैसा लग रहा यहाँ की लड़की ने हमारी बहन ने नाम कमा दिया? बढ़िया। अच्छा शुरू से शौक था बहन को जैसे खिल्लो में जैसे? भाई बचपन से तो बात है, इस लड़की मेहनत बहुत है जी, मेहनत बहुत करी लड़की ने। तो यहाँ पर तो जी बहुत आदमी आ रहे होंगे जब से मिलने। बहुत आदमी आ रहे हैं। कल को यार चौधरी साहब आ रहे हैं, जयंत चौधरी आ रहे हैं कल। दोस्तों कल जयंत चौधरी भी आ रहे हैं और जो है के नाम है परली तरफ स्कूल की जमीन है जी जी, उसमें बाकायदा आज वो लगा लग रहे टेंट। अरे इधर साइड से सजा रहा जी, कम से कम भाई 10,000 लोग तो खाना है गाँव का जी जी, मतलब गाँव की तरफ। ये देखो भाई बाइक राइडर भाई जा रहा है, आप सभी ये बाइक राइडर भाई, ये भाई लो जी आ गया तारा भाई, दिक्कत करना अब आ गया है तो भाई दिक्कत करके जाएगा। वहाँ की एक हमारी बहन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है और आज भाई हम बहन से मिलेंगे, ठीक है भाई, और उनसे करेंगे बातचीत। और दोस्तों हम तो अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, ठीक है जी। चलते हैं भाइयों, टप्पू में बैठे हैं भाइयों। आज मैं पहुँचा हूँ गाँव भादुरपुर में और यहाँ की एक लड़की है जिसने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, ठीक है। तो गाँव में खुशी है जी सभी को, है भैया सब खुशी। ये देख लो भाइयों, इधर बढ़िया करना खड़ा जाएंगे तो ठीक है। तो दोस्तों ये गांव भादुरपुर है भाइयों, ये देख लो, ठीक है जी। यहाँ की हमारी बहन है जिसने अपने देश का और गांव का शहर का नाम रोशन कर दिया, ठीक है। बहन से बातचीत भी करेंगे, ठीक है भाइयों। ये गांव की टंकी है जी मेरी, ये देख लो जी, ठीक है। आपको गाँव दिखा रहा हूँ, ये बहन का गाँव है जी, ठीक है भाइयों। भादुरपुर गांव आ गए जी, ठीक है जी, मैं आ चुका हूँ मैं, ठीक है। और ये गांव का इधर से ही रास्ता बताया। तो सर जी वो उधर जाना जो मेडल लड़की जीत कर लाई अन्नू भाई, ऐसे जाओ जी, फिर ऐसे मुड़ियो। हाँ जी सामने घर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले ऐसे जाओ। हाँ जी सीधे। हाँ जी फिर ये ऐसे मुड़ियो। हाँ जी फिर एक मंदिर आओगे, बनी होगा मतलब छोटा मंदिर आओगे जी जी, और उसकी बिल्कुल राइट साइड लेफ्ट साइड में उससे चले जी। तो मैं कैसा लग रहा जी जैसे लड़की ने नाम कमा दिया? अरे यार क्या बात कह रहा, बढ़िया लग रहा बिल्कुल भाई। एक बात तो बता यार, तो एक गांव की बात है, हमारे गांव का नाम रोशन हुआ। सबसे तो बात यार, सबसे पहली बात तो यार हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ जी जी, ये देखो भाई। हाँ जी ये तो बात है भाई। आपको कैसा लग रहा यहाँ की लड़की ने हमारी बहन ने नाम कमा दिया? बढ़िया। अच्छा शुरू से शौक था बहन को जैसे खिल्लो में जैसे? भाई बचपन से तो बात है, इस लड़की मेहनत बहुत है जी, मेहनत बहुत करी लड़की ने। तो यहाँ पर तो जी बहुत आदमी आ रहे होंगे जब से मिलने। बहुत आदमी आ रहे हैं। कल को यार चौधरी साहब आ रहे हैं, जयंत चौधरी आ रहे हैं कल। दोस्तों कल जयंत चौधरी भी आ रहे हैं और जो है के नाम है परली तरफ स्कूल की जमीन है जी जी, उसमें बाकायदा आज वो लगा लग रहे टेंट। एक रोस्ता जी है। तो दोस्तों चलते हैं, ये देख लो जी, ये बहन के फोटो लग रहे हैं, अन्नू अन्नू रानी। ये देखो भाइयों, गांव में फोटो लग रहे बहन के बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये बहन का गांव है, अन्नू बहन, और भाइयों नाम रोशन कर दिया गांव का, शहर का, देश का, ठीक है। ये देख लो जी, बड़े सुंदर सुंदर मकान भी है बहन के गांव में, ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, तो दोस्तों गांव चुखा बड़ा दिखा है जी, काफ़ी बड़ा गांव है जी। ये देख लो भाइयों, ये मैं आपको गांव दिखा रहा हूँ जी, ठीक है। ये देखो भाइयों, और यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाया भाइयों अभी तक, आपका भाई आपको यूनिक चीज़ दिखाता है नहीं हटके, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं जी, इधर से रास्ता जा रहा बहन के गाँव का, ठीक है जी। हवेलिया भी है बहन के गांव में, पुरानी से पुरानी है जी अंकल जी, वोटिंग काफ़ी होगी जी। ये मंदिर है जी यहाँ का भादरपुर का, और भाइयों मैं आ चुका हूँ जी, यही दिखा जी जी। दोस्तों देख सकते हैं, चलते हैं जी, ये देख लो भाइयों। तो आपको भी खुशी जी पूरी, ये देखो। तो दोस्तों गांव काफ़ी बड़ा है बहन का, तो हम बहन को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे, ठीक है। ये देखो दोस्तों, तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं हम, ये देख लो जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। और सामने घर है जी भाइयों, ठीक है जी। ये सब परिवार वाले के लड़के हैं, ठीक है जी। ये देख लो जी, फोटो लग रहा है बहन का, बड़ा सुंदर मकान है वाइट कलर का, ये देख लो जी। तो भाइयों आ चुके हैं हम मकान पर, ठीक है जी। ये देख लो जी भाइयों, गांव के लोग हैं जी, तो किसान भाइयों आज मैं गांव में आया हुआ हूँ और इनसे पूछेंगे
कैसा लग रहा है इनको, कैसा लग रहा अंकल जी गांव की लड़की ने नाम रोशन कर दिया है, बढ़िया लग रहा बिल्कुल। त्यौहार की ढाल जैसा कोई त्यौहार आ रहा हो, त्यौहार की ढाल है पूरे गांव में उत्साह। जी जी, तो ये देख सकते हैं और सबसे मिलवाओगे, और इनके अंकल जी बैठे हैं हमारे, तो राम राम अंकल जी। पहले उसने प्रैक्टिस करी जी जी, अब ज्यादातर गन्ने पन्ने से करी, कुछ बल्ली वैसे लेके बना के बल्ली उससे करी जी जी। उसके बाद फिर दौड़ थे इंटर कॉलेज में, फिर जी जी। उसके अपने पापा के साथ जाती थी जी जी, वो साइकिल से जाते थे, वो पैदल जाते थे जी जी। धीरे धीरे ऐसे मनोबल बढ़ता चला गया। उसमें भी कई लड़की निखरी थी एक, है ना जी जी, तीन साल हो लिए कई बच्ची खेली इस गाँव में। हाँ जी, तो दोस्तों और भी जैसा कुछ कहना चाहोगे, जैसे हमारी बहन बेटे लग रही है उनको अपनी तरफ से कैसा क्या बड़ा है ऐसा, इसीलिए उसके सम्मान समारोह में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं जैन चौधरी जी जी जी, और इसमें लोगों में बड़ा उत्साह है जी, और जिससे आगे बच्चों को भी इस उनका हौसला उपजाएगा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं बढ़ाने के लिए जी जी। उसके अब उसके ये क्रीड़ा स्थल है जी जी चौधरी के नाम पे जी जी, मिनी स्टेडियम जी जी, उस पे जी। अब उसमें ये पब्लिक में इसीलिए जोश है कि भी बच्चे आने वाली बच्चों में भी थोड़ा सा ये बड़ा सम्मान होता है, तो हम भी कुछ करके दिखाएं जी, प्रेरणा मिलती है बच्चों को, और यहाँ के हर गांव में सभी लोगों को खुशी है, दूर दूर तक पूरे जी जी। तो और भी बहन प्रेरणा ले रही होगी, आगे बढ़ रही होगी बहन से देख के, जैसे प्रेरणा जब भी तो बता रहा हूँ, कई लड़की आ रही है निकल के, अरिंदर की लड़की है जी जी, उसमें जो आरजू भी है राष्ट्रीय जी जी, कई लड़की है जी जी, उत्तर प्रदेश लेवल पे चैंपियन हो चुका है। तो दोस्तों हम तो एक बात कहते हैं कि भाई मेहनत करो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, जब आप मेहनत करोगे तो उसकी सफलता जरूर मिलती है आपको, और घर का पूरा सपोर्ट मिला जी जैसे जी, सब गांव से एक पड़ाव। अच्छा, अपने क्षेत्र में से दो लड़की, एक तो पारुल चौधरी और एक हमारी बहन है। हाँ, एक किरण बालियान भी है, वो लड़की बालियान है जी जी, तो मुझे बन्नगर की, पर यही रहती है एकता नगर मेरठ में, रही तो हमारे क्षेत्र में हुई जी जी। तो दोस्तों यहाँ पे कल अपने जो जयंत भैया है वो आ रहे हैं, तो काफी लोग आएंगे सर? हाँ, काफी संख्या में आएंगे जी जी। तो इधर लगवाएगा टेंट कहाँ पे, इधर चल रहा है दोस्तों, इधर लग रहा है वो, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, काफ़ी जगह में लगवा रहे होंगे सर, वो 10 बीघे के करीब बैठती है, उससे एक्स्ट्रा है रास्ता जी जी, बहुत अच्छा फील्ड है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, और यहाँ पे कोई बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनसे अंकल जी कुछ सीख देना चाहोगे जी? जी इसके इससे तो इससे प्रेरणा इतने बच्चों ने लिया क्षेत्र में जी, कि नए नए बच्चे स्टेट लेवल तक पहुंच रहे हैं जी जी, और इसका एक ही लक्ष्य था, जो बच्चा लक्ष्य बना करके अपना चलेगा वही अपने उद्देश्य में पूर्ति कर सकता है जी जी। लक्ष्य जरूरी है और परिश्रम जी, दो चीज़ जरूरी है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी। पहले तो इसने लक्ष्य बनाया अपना, उसके बाद इतनी मेहनत करी, उसके पिताजी का भी उसमें बहुत योगदान है, उसकी गाइडेंस भाइयों अच्छी रही, भाइयों का भी है उसके जी जी, सभी ने उन्हें मिल करके उसे आगे बढ़ाया, और गाँव भी यही चाहता था, गाँव में एक इतनी जैसे दिवाली मनाई जाती है, इस तरह से खुशी हुई है हमारे गाँव को, दिवाली का माहौल था जिस दिन उसने पूरे क्षेत्र में था जी जी, और जिस दिन यहाँ गांव में प्रवेश किया उस दिन बहुत बड़ा जनसमूह गांव में उमड़ पड़ा था क्षेत्र में से आकर के, और सभी के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ है, और आगे के भविष्य के लिए भी बहुत लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया, ओलंपिक में के पदक जीत के आए, उसके लिए भी बहुत सभी का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा लगा। तो देखो भाइयों बहुत ही बढ़िया बात बताई, और यहाँ पे कुछ और बुजुर्ग भी बैठे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, आप क्या कहना चाहोगे जी, आप क्या कहना चाहोगे जी, और बहन बेटे के लिए? तो उसी दिन दिवाली मंगी थी जिस दिन वो है, और बाकी दशहरा और दिवाली जो बची कुची है कल मन जाएगी जी। चौधरी साहब आ रहे हैं जी जी, सबसे बड़ी बात चौधरी साहब आ रहे हैं अपने गाँव में जी, पूरे इतिहास के पन्नों का नाम है जी, और सबसे बड़ी बात है इतने बड़े आदमी का आना हमारे लिए स्वाभाविक है जी जी, और बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है जी जी, और हर गांव का बच्चा बच्चा उत्साहित है जी जी। तो दोस्तों कल जयंत भैया आ रहे हैं, तो यहाँ पे पांव धरने को जगह नहीं होने की जी, इतनी भीड़ रहेगी, भीड़ काफी रहेगी है जी। तो ये हमारे भैया है लोग दल के, देखो भाइयों इनसे पूछेंगे, अब इनसे भी बातचीत करेंगे, और ये भी अपने आए हुए हैं, और भाई सबसे बड़ी बात, एक छोटे से गाँव से लड़की ने मेहनत करी, हम तो सभी को एक बात कहना चाहते हैं कि आप भी कर सकते हैं जब ये बहन कर सकती है, ठीक है जी। और कल जयंत भैया आएंगे तो कल काफ़ी भीड़ रहेगी यहाँ पे, ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे भैया, कुछ कहना चाहोगे?
ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे देश का जी भैया, क्योंकि एक तरफ वो नीति है, एक तरफ वो सरकार है जी भैया, जो हमारी बहन बेटियों को जी जंतर मंतर पे घसीटने का काम कर रही है जी जी, एक तरफ हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी है जी जी, जो इन बहनों को सम्मान देने के लिए उनके घर पर आ रहे हैं जी जी, हमारे लिए बहुत ही बड़ा उत्सव है, बहुत ही सौभाग्य की बात जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कल अपने भैया आ रहे हैं जयंत भैया, और सबसे बड़ी बात इस गांव में आ रहे हैं और बहुत आदमी आएंगे जी, बहुत संख्या में। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहोगे भैया? मेरा, मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दीपक तोमर है जी जी, और मैं राष्ट्रीय लोकदल की जो खेल प्रकोष्ठ है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी जी, और मैं भी राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग का खिलाड़ी हूँ जी जी। जयंत जी ने प्रदेश की जिम्मेदारी खेल प्रकोष्ठ की मुझे दी है जी भैया, हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे देश प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। खिलाड़ी देश की धरोहर होते हैं, खिलाड़ी ऐसा शख्स होता है जो देश का झंडा, भारत का झंडा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा करने का काम करता है। बहुत जो है ये बहुत बड़ा काम हमारी इन बेटियों ने किया है, अन्नू रानी ने, चाहे वो पारुल चौधरी हो, किरण बालियान हो, मेरठ से तीन बेटियां हमारी, तीन बहनें मेडल लाई हैं एशियन गेम में जी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से और यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल से जब भी कोई खिलाड़ी अपनी तैयारी शुरू करता है खेल की, तो उसे बहुत ही एक तपस्या, बहुत ही संघर्ष होता है। स्कूल लेवल से अगर वो शुरू करता है तो उसे स्कूल में सबसे अव्वल आना पड़ता है, तब वो आगे कॉलेज में खेलता है, फिर उसे कॉलेज में सबसे अव्वल आना पड़ता है, तब वो आगे यूनिवर्सिटी में खेलता है, फिर यूनिवर्सिटी में सबसे अव्वल आएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट में, फिर ऐसे प्रदेश में, देश में। अब आप इसका अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा लीजिए, एशियन गेम जिसमें हमारी बहन अन्नू रानी जो मेडल लेकर आई है, उसमें 45 बड़े देशों ने, एशिया के, दुनिया के 45 बड़े देशों ने हिस्सा लिया था। उन देशों में अगर कोई हमारा बच्चा मेडल लाता है तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष और सौभाग्य की बात है, और उसे सम्मानित करने के लिए कल हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी सम्मानित करने इन तीनों बेटियों को मेरठ आ रहे हैं जी जी। हमारे नेता जयंत चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले देश के ऐसे सांसद, पहले देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि का एक एक पैसा खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को देने का निर्णय लिया है और उस पर काम शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर के गांव साहटू में चौधरी साहब ने अपनी सांसद निधि से एक स्टेडियम दिया है, और ऐसे ही हमारे बड़ौत में जनता वैदिक डिग्री कॉलेज में उन्होंने एक स्टेडियम और सिंथेटिक ट्रैक देने का काम किया है। मथुरा के बाजना में इंटर कॉलेज में एक उन्होंने अपनी सांसद निधि से मिनी स्टेडियम दिया है। अभी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी जी का राजस्थान में दौरा था, वहाँ पर उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में एक मिनी इंडोर स्टेडियम दिया है, भरतपुर में एक मिनी इंडोर स्टेडियम दिया है। देश के पहले ऐसे नेता हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, देश में हमारे राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर 700 से ज़्यादा सांसद हैं। आज तक आज़ादी के बाद किसी भी नेता ने, किसी भी सांसद ने खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया है। उसी क्रम में जयंत चौधरी जी हमारी तीनों बेटियों के घर घर जाकर सम्मान करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे गाँव के क्षेत्र के लिए बहुत सम्मान की बात है। गरीब परिवार की बहन लग रही है, मेहनत कर रही है, कैसे बड़ा कर? देखिए, जो खेल और खिलाड़ी की अगर बात करें, मैं तो आपको बहुत ही शॉर्टकट में ही बताना चाहूँगा, गांव, किसान, जवान, खिलाड़ी और राष्ट्रीय लोकदल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब भी किसानों की आवाज़ अगर उठाई है तो तीसरी पीढ़ी हमारी चौधरी चरण सिंह जी के बाद, चौधरी अजीत सिंह जी के बाद, जयंत चौधरी ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे संसद में, अगर कोई और सांसद हो तो आप बताइए, कोई सांसद ऐसा नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो जिसने किसानों की बात बेबाकी से उठाई हो, और इसी तरह हमारे युवाओं को और हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने अपनी सांसद निधि देने का काम किया है। वो ऐसे ही नहीं किया है, एक युवाओं को इससे एक दिशा मिलेगी, एक दशा मिलेगी। तो राम राम जी सभी को जी।